और हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है, ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि वो परिवार एक साथ नहीं है। जब परिवार को सजा मिली है, और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा कि परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा हो, कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में हैं, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है, और वो भी झूठे मुकदमे लगना। सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए हैं, ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे झूठे मुकदमों का। वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, रामपुर कहीं पर देख लीजिए आप, हर जगह मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया, उसकी वजह से आप दिल्ली को भी देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठ के टे मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दे? और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है, जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। रामपुर की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। देखिए ये पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, और पीडीए से घबराई हुई है सरकार, लगातार मुख्यमंत्री सरकार हो रही है। ये कोई नया तरीका नहीं है, ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे, समय से ज्यादा बलवान नहीं है, और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। और केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है।